देवास में अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ के द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण एवं भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित की गई राष्ट्रीय जन जागरण यात्रा में 140 स्कूलों के 15,000 से अधिक विद्यार्थी एवं शिक्षक पूर्णतः अनुशासित रूप से शामिल हुए। यात्रा भोपाल चौराहे पर एकत्रीकरण के पश्चात विद्यार्थियों, संचालकों व शिक्षकों के द्वारा भगवान श्री राम की आरती के साथ प्रारंभ की गई। यात्रा की अगुवाई सुमधुर भजन कीर्तन, दोहे व श्लोक की प्रस्तुति देते हुए की जा रही थी। पहली बार किसी बड़े स्तर के आयोजन में यात्रा में विद्यार्थियों द्वारा मधुर प्रस्तुतियां देखने को मिल रही थी। यात्रा में सभी विद्यार्थियों द्वारा रामायण के विभिन्न चरित्रों का जीवंत प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसे संपूर्ण नगर में आमजन द्वारा सराहा गया। एक साथ यात्रा में इतने राम देखकर संपूर्ण नगर राममय था। कई जगह लोग रुक रुक कर राम, सीता एवं हनुमान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। यात्रा में विद्यालयों द्वारा भजन मंडली की व्यवस्था, बैंड, झांकियां एवं रामायण के पात्रों के चरित्रों का निर्माण विद्यालय स्तर पर किया गया था। संगठन अध्यक्ष राजेश खत्री, सचिव दिनेश मिश्रा, उपाध्यक्ष सैयद अली, कोषाध्यक्ष सुरेश चौहान के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में यात्रा का स्वरूप अत्यंत विशाल और भव्य था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यात्रा के विशाल स्वरूप को इस बात से समझा जा सकता है कि यात्रा का प्रथम छोर जब सयाजी द्वार पर था, तब संपूर्ण नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंतिम छोर भोपाल रोड पर तालाब के समीप ही था। संगठन के प्रवक्ता आदित्य दुबे, शकील अहमद कादरी, अबरार शेख ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा का स्वागत नगर के विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठन एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया गया। कई संगठनों द्वारा बच्चों के लिए जल की भी व्यवस्था की गई। कई दुकानों के व्यापारियों ने घंटी बजाकर व फटाके फोड़कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में शहरी तहसील सपना शर्मा द्वारा बताया गया कि पूरे हर्षोल्लास के साथ राम यात्रा निकली है, जिसमें हमारे और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था के साथ बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का 5,000 वर्षों से इंतजार था कि वो अयोध्या में अपने मंदिर में विराजित होंगे। वो घड़ी 22 जनवरी को आ गई है। उसी के अवसर पर देवास अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ द्वारा एक विशाल भव्य राम यात्रा निकाली गई है, जिसमें 15,000 बच्चे सम्मिलित हुए और 5,000 शिक्षक शिक्षिकाओं ने यहाँ पर इस उत्सव में भाग लिया और समस्त संचालक यहाँ पर उपस्थित रहे। देवास शहर की समस्त धर्म प्रेमी जनता ने उन नन्हे मुन्ने बच्चों का, वो राम जी की वानर सेना का दिल खोलकर भव्य स्वागत किया। अशासकीय शिक्षण संस्था की तरफ से बच्चों के द्वारा राम यात्रा निकाली थी, भव्य रूप में यात्रा निकली थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। अच्छा माहौल रहा, सभी लोगों ने, जो व्यापारी संगठन वगैरह थे या जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता या जो समाज के और भी लोग थे, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। बच्चों को पानी पिलाना, जगह जगह पे स्टॉल्स लगाए थे उनके स्वागत के लिए। हमारी तरफ से भी पुलिस की पूरी व्यवस्था चार चौबंद रही। इसके साथ ही सीएमएचओ मैडम से बात करके हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करवाई थी कि इन केस ऑफ। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।